आज फिर से एक वीडियो के साथ आ गई हूँ। आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रणीता गार्डन हिंदी भाषण में। और जो जो मेरे वीडियो देख रहे हैं और साथ सपोर्ट कर रहे हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। आज का मैंने जो प्लांट लेके आए हूँ, अभी ऐसे मौसम आ गए हैं, कभी बारिश होता है तो कभी तेज़ धूप होता है, ऐसे में बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो ज़्यादा धूप भी सहन नहीं कर सकता और ज़्यादा पानी भी सहन नहीं कर सकता, ऐसे पत्ते गिर के मर सकते हैं। तो ऐसे में एक प्लांट मैं दिखा रही हूँ जिसको प्रिपरोमिया प्लांट नाम से जाना जाता है। ये एक सकुलेंट टाइप का प्लांट है, इसीलिए ये इसको बहुत केयर करना पड़ता है अभी के मौसम में, क्योंकि अभी कभी तेज़ धूप होता है तो कभी बारिश होके थोड़ा थोड़ा तापमान भी कम हो जाता है, मतलब उतार चढ़ाव होते रहते हैं। ऐसे मौसम में जो ये पेपरोमिया प्लांट है बहुत केयर करना पड़ता है, क्योंकि इसको तेज़ धूप भी पसंद नहीं है और ज़्यादा पानी भी पसंद नहीं है, इसीलिए इस टाइम ये पेपरोमिया प्लांट बहुत समर जाता है। तो ऐसे जगह में इसको रखना चाहिए जहाँ बारिश का पानी भी ज़्यादा ना मिलता हो और जो धूप होता है सनलाइट भी कम मिलता हो, ऐसे जगह में डायरेक्ट ना मिलता हो, ऐसे जगह में रखने से ये प्लांट बच सकता है। इसलिए आप लोग के पास भी ये प्लांट है तो अभी इसको बहुत केयर करना पड़ता है और इसमें छोटे छोटे फूल भी आता है। ये देखने में बहुत अच्छे से सीनरी प्लांट है और लगाने में जो गोल गोल पत्ता पूरा गमले भर जाते तो इतना प्यारा लुक देते हैं ये, इसलिए इसको लगाने में बहुत अच्छा लगता है गार्डन में रखने में। और ये जब ठंडा शुरू होने वाला है, ये सितंबर अक्टूबर से थोड़ा ठंडा शुरू होगा तो इसका थोड़ा नीचे नीचे न्यू जो प्लांट निकला है उसको अलग अलग करके एक से बहुत सारा बन सकता है। तो अभी आपके पास निकला भी है तो अभी मत करिए, क्योंकि अभी इसका लगाने से वो प्लांट मर जाता है, ये ठंड के सीज़न में लगाने से बच जाता है, इसलिए अभी मत लगाइए। और एक दूसरा भी प्लांट मैं दिखा रही हूँ, वो सकुलेंट प्लांट है, देखने में बहुत प्यारा सा कमल जैसा फूल जैसा ही दिखता है। ये प्लांट भी वैसा ही है, जो ज़्यादा पानी होने से भी इसका जो ये लीव है एक एक करके निकल के मर जाता है और कम तेज़ धूप से भी ये मर सकता है, इसीलिए इसको भी इस टाइम ये जो सकुलेंट प्लांट है इसको भी बहुत केयर करना पड़ता है। देखने में सुंदर है इसीलिए इसको बहुत केयर करना पड़ता है और लगाने में भी बहुत सुंदर दिखता है। इसका जो नीचे से न्यू बेबी प्लांट निकलता है तो उससे अलग करके एक से बहुत सारा बन सकते हैं, पर इसको भी इस टाइम बहुत केयर करना पड़ता है। फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो यही था कि अभी के सीज़न में इसको बहुत केयर करना है। दो फूल दिखाया उसको आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक कर देना और जो जो मेरा वीडियो अभी नया देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही।